थैंक यू। क्या कुछ खास लगा जो ऑफिस से जो कनेक्ट हुई? जब मुझे पता चला कि ये जो वर्कशॉप्स ये करते हैं अक्रॉस स्कूल्स, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव टू टेक एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशंस जो है अबाउट सेल्फ इस्टीम, बॉडी कॉन्फिडेंस, बॉडी इमेज, इट हैज़ टू स्टार्ट यंग. सो आई एम रियली प्राउड दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आई रियली हैड अ रियली ग्रेट टाइम टॉकिंग टू ऑल द किड्स ओवर हियर. दे आर अमेजिंग. And I hope they keep calling me for such workshops. I'd love to meet more kids. So students, आपने interaction में क्या-क्या कुछ बातें हुई उनसे आपकी? बहुत सारी बातें हुई. We spoke about जो filters हम लगाते हैं Instagram पे, जो हमारा एक image होती है beauty ideals की, और जो stereotypes होते हैं, और what was just so lovely to see. और मैं इतनी इम्प्रेस हो गई हूँ इन लड़कियों से कि मुझे उन्हें एक्चुअली बहुत कहने की ज़रूरत भी नहीं थी. मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे उतना शेयर कर, वो काफ़ी मैच करता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से. दे आर सो अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट दे आर फीलिंग. इट्स अमेजिंग टू सी दैट सो यंग यू हैव सो मच क्लैरिटी अबाउट यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो इट्स ग्रेट. सेल्फ इस्टीम, मोटिवेशन, क्या कुछ जहन में आता है आपके जब आपकी पर्सनल लाइफ को रिलेट करती हैं या टैली करती हैं इस चीज़ों से? ह्यूमन इमोशंस हैं, रोज़ काम करना पड़ता है उन पे. जैसे हम खुशी पे काम करते हैं, जैसे हम एंगर पे काम करते हैं, वैसे सेल्फ इस्टीम और स्टीरियोटाइप ना होना या अफेक्ट होना उनसे, वैसे काम करना पड़ता है उन पे.